हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडेज टॉपिक इज आइसोटोप इफेक्ट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइसोटोप इफेक्ट इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो हमारा आइसोटोप इफेक्ट चल रहा है, ये समझिए कि ये चल क्या रहा है। देखिए, हम काफ़ी टाइम से एक टॉपिक डिस्कस करते आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसमें हमने फाइव मेथड्स डिस्कस किए थे कि हम फाइव मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट एनालिसिस, सेकंड पढ़ लिया इंटरमीडिएट का डिटर्मिनेशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उसका थर्ड मेथड है, आइसोटोप इफेक्ट। तो आइसोटोप इफेक्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जो एलिमेंट, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको बोला जाता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक मास वाले और सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को आइसोटोप बोला जाता है। आइसोटोप कितने टाइप्स के होते हैं? तो आइसोटोप्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी आइसोटोप और एक होता है सेकेंडरी आइसोटोप। प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, वो हम अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन एंड बाय दिस मेथड मैकेनिज्म ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यही बोल रखा है कि ये जो मेथड है आइसोटोप इफेक्ट, ये एक बहुत अच्छा मेथड है किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने का। एंड बाय दिस मेथड मैकेनिज्म ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड, और इस मेथड के द्वारा हमको मैकेनिज्म के नंबर, जो रिएक्शन का जो नंबर है वो पता चलता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे, अभी मैंने इतना तो आपको बताया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो जितने भी हमारे आइसोटोप्स होते हैं उनका जो केमिकल बिहेवियर होता है, केमिकल बिहेव जो करते हैं वो सेम होता है, मतलब कि आइसोटोप्स का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो सेम होता है। तो ये जो हमारा आइसोटोप इफेक्ट है, ये जो मेथड है, ये उन आइसोटोप, जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनके केमिकल बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड है। ये उनके केमिकल जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर बेस्ड है, और उनका केमिकल बिहेवियर क्या होता है? सेम होता है। एलिमेंट इज द सेम बट ड्यू टू देयर डिफरेंस मासेस द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज स्लो। ठीक है, तो इतना आपको पता चला कि उनका जो केमिकल बिहेवियर होता है वो तो सेम होता है लेकिन उनके जो मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट मासेस होते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, वो स्लो हो जाती है। कब स्लो हो जाती है? जब हैवी आइसोटोप को अटैच करवा दिया जाता है। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है हमारा, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां पर अगर हम किसी हैवी आइसोटोप को अटैच करवा देते हैं तो उस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? वो स्लो हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन उसकी स्लो हो जाती है। वेलोसिटी बोले तो स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं हम प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। इतना क्लियर हुआ? दोबारा बताती हूँ कि प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जांपल है मेरे पास। देखिए, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, C6H5 का होल ट्वाइस, दो दे रखे हैं, कार्बन से अटैच है और कार्बन से OH अटैच है, और इधर साइड एक ये D अटैच है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास D है, ये एक हैवी आइसोटोप है। तो हम अगर इस रिएक्शन में इस हैवी आइसोटोप को डी को अटैच कर देते हैं, कहाँ पर अटैच करेंगे? जहां से हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो वहां पर अगर हम इस हैवी आइसोटोप को अटैच करवा रहे हैं तो हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है, इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो जाएगी? वो स्लो हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। देखिए, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, यहाँ पर जो हमारा आइसोटोप अटैच है, ये रिएक्शन जो है हमारी, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम रिएक्शन है, OH अटैच है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा हाइड्रोजन अटैच है, यानी आइसोटोप जो है वो हैवी आइसोटोप नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बना है। लेकिन अगर हम हैवी आइसोटोप ले लेते हैं
तो प्रोडक्ट तो सेम ऐसा ही बन रहा है, लेकिन इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। ये है हमारा प्राइमरी आइसोटोप। ठीक, आप देखिए यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है कि इन दीज रिएक्शन द ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। देखिए इन रिएक्शन में, ये जो दो रिएक्शन हुई है, इनमें जो CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर CD बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर CD बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इनका जो स्थान है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि इनको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लिखा जाएगा किस तरीके से, कि ये जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसको लिखा जाएगा KH और यहाँ CD वाले को लिखा जाएगा KD। तो KH अपॉन KD की वैल्यू क्या होगी हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, 6.7। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू होगी 6.7। तो ये क्या पढ़ा हमने, किसका एग्जाम्पल देखा हमने, एग्जाम्पल देखा ये प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट का। अब हम देखते हैं सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये उसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होगा, अपोजिट टू इट इफ अ हैवी आइसोटोप इज अटैच्ड नियरर टू दैट बॉन्ड विच ब्रेक्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए ये उसका जस्ट अपोजिट है, वहां पर क्या था कि वहां पर हैवी आइसोटोप उस बॉन्ड से अटैच था जो रिएक्शन जो हो रही थी ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी रिएक्शन होने के टाइम पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था उस बॉन्ड से क्या अटैच था हमारा, हैवी आइसोटोप। इन दिस रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा हैवी आइसोटोप अटैच होगा वो उस बॉन्ड से जाकर के अटैच नहीं होगा जो रिएक्शन के टाइम पर ब्रेक होगा, वो उस बॉन्ड से जाकर के अटैच होगा जो रिएक्शन के टाइम पर ब्रेक होगा उसके बराबर वाले बॉन्ड पे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि इफ अ हैवी आइसोटोप इज अटैच नियरर टू दैट बॉन्ड विच ब्रेक्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के टाइम पर जो बॉन्ड हमारा टूटेगा, ब्रेक होगा, उस बॉन्ड से जाकर के क्या अटैच होगा हमारा, हैवी आइसोटोप अटैच होगा। एंड इफ इट हैज एनी इम्पैक्ट ऑन द रिएक्शन, और इसका अगर रिएक्शन पर कोई इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा, देन वेलोसिटी इज कंपैरेटिवली लेस इफेक्टेड। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंपैरेटिवली लेस इफेक्टेड होगी, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसके कंपैरिजन में क्या होगी, लेस इफेक्टेड होगी। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट, और इसको सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट बोला जाता है। तो सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा हैवी आइसोटोप होता है वो उस बॉन्ड से जाकर के अटैच नहीं होता है जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो रिएक्शन के टाइम पे, वो तो उस बॉन्ड से जाकर के अटैच होता है जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके बराबर वाले एटम से जाकर के क्या अटैच होता है, हैवी आइसोटोप अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए यहाँ पर दे रखा है CH3CH CH3Br, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम KOH के साथ, यानी कि एक रिएक्टेंट किया है, एक रिएक्टेंट किया है, तो इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ कराएंगे, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो हमारा OH तो यहाँ जा करके अटैच हो जाएगा और KBr का अलग फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल बनेगा CH3CH CH3OH+KBr, KBr अलग निकल गया, अलग फॉर्मेशन कर लिया उसने। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने हैवी आइसोटोप अटैच करवा दिया है, तो यहाँ पर देखिए CH3CH CH2D, यहाँ पर ये डी क्या है, ये डी है हैवी आइसोटोप और ये है Br+KOH। तो देखिए इस एग्जांपल की हेल्प से आप समझ पा रहे हैं ना कि जो हमारा हैवी आइसोटोप होगा वो कहाँ अटैच होगा। देखिए बॉन्ड तो ब्रेक होगा हमारा ये वाला, लेकिन आइसोटोप हमारा कहाँ अटैच है, इस वाले के पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम प्राइमरी आइसोटोप पढ़ रहे थे तो हमारा जो बॉन्ड ब्रेक, अगर हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमारा जो आइसोटोप था हैवी आइसोटोप वो यहाँ अटैच था प्राइमरी आइसोटोप में, लेकिन सेकेंडरी आइसोटोप में बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है और हैवी आइसोटोप इससे अटैच है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, OH यहाँ आ जाएगा और KBr सेम उसी की तरह बन जाएगा, तो इसकी जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी वो क्या होगी कि वैल्यू इसकी KH/KD, यानी कि यहाँ पर भी तो वही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर KH ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर KD, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू होगी यहाँ पर 1.1, वहां पर KH/KD की वैल्यू क्या थी, 6.7, वहां ज्यादा थी, यहाँ पर KH/KD की वैल्यू क्या है,
1.1। एक चीज ध्यान रखनी, बॉन्ड को बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये, और आइसोटोप कहाँ अटैच है, उसके बराबर वाले इस पर, ठीक है। बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, ये आइसोटोप अटैच है इस पर, हैवी आइसोटोप हमारा इस पर अटैच है। तो यही डिफरेंस है कि वहां पर जो आइसोटोप अटैच था वो उससे अटैच था जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहाँ पर जो आइसोटोप अटैच है वो उसके बराबर वाले से अटैच है। बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो रहा है तो आइसोटोप यहाँ अटैच है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये दोनों डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और प्राइमरी सेकेंडरी आइसोटोप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।